आज हम लोग मैट्रिक टेंथ क्लास के भौतिक विज्ञान का प्रकाश या प्रकाशिकी चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक दर्पण का परिचय कराएंगे, दर्पण की परिभाषा देंगे, दर्पण से प्रकाश के प्रावर्तन की बात को समझेंगे, दर्पण के सामने रखे हुए भिन्न भिन्न दूरी पर बनने वाले वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, उसकी प्रकृति और उसके गुणों को समझने का प्रयास करेंगे और यथासंभव दर्पण के उपयोग की जानकारी भी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले दर्पण की परिभाषा दी जाए। दर्पण ऐसा उपकरण है जिसका एक सतह चमकीला होता है, और दूसरा सतह कलई किया हुआ होता है, उसी को हम दर्पण कहते हैं। यह सतह जो लाल रंग से बनाया जा रहा है, यह कलई किया हुआ सतह है और इसका भी यह सतह कलई किया हुआ है। और मतलब अगर सतह की जानकारी हम दें तो प्रत्येक दर्पण का यह सतह एक और यह सतह दो, यह सतह एक और यह सतह दो, यह सतह एक और यह सतह दो। अगर हम सतह एक की बात करें तो सतह एक चमकीला है और इसी चमकीले सतह को हम लोग परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टिंग सतह भी कहते हैं। और सतह दो कलई किया हुआ है जो प्रकाश की किरण को बाहर जाने से रोक देती है। अब हम बहुत संक्षेप में ध्यान दें, अगर इस सतह पर कोई प्रकाश की किरण आती है तो इस दिशा में लौट जाती है, यह प्रकाश का परावर्तन होता है। और अगर यह इसका मुख्य अक्ष है, और यह भी इसका मुख्य अक्ष है, अगर प्रकाश की किरण इस तरह से आती है और इस तरह से लौटती है तो यह इस दिशा से लौटती है, यहां भी यह इसका मुख्य अक्ष है। अगर प्रकाश की किरण इस तरह से आती है और यहाँ से इस तरह से लौट जाती है, अर्थात दर्पण में जब चमकीले सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो इसको ए ओ
बी मतलब इस किरण का यह आपतित किरण है और इस आपतित किरण का परावर्तन होता है इस किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है परावर्तित किरण कहा जाता है यह अभी लंब है और इस कोण को आई या साइन आई को आपतन कोण और इस कोण को आर या साइन आर को अपवर्तन कोण कहा जाता है। अब हम लोग दर्पण के प्रकार को समझें। दर्पण का प्रकार टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ मिरर दर्पण के प्रकार को हम लोग समझें। अब यह जो दर्पण का प्रकार है यह मुख्यतः दो प्रकार का है। इसमें ए और बी। ए को हम लोग समतल दर्पण कहेंगे प्लेन मिरर कहेंगे और बी को हम लोग गोलिये दर्पण कहेंगे एस फेरिकल मिरर कहेंगे। अब समतल दर्पण को हम समझेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक सतह चमकीला या परावर्तक सतह समतल हो और यह समतल दर्पण का मुख्य अक्ष है। अगर यहां से प्रकाश की किरण चल रही है यहां से प्रकाश की किरण तो कहने का मतलब कि अगर यह वस्तु
यहां पर रखा गया है, मतलब वस्तु समतल दर्पण के सामने ऊपर रखा गया है और यहां से इसका परावर्तन होता है और यहां से इसका परावर्तन होता है, तो इस दिशा में जाती है और यहां पर वस्तु का यह वस्तु का प्रतिबिंब है और यह वस्तु की दूरी है। यहां से यहां प्रतिबिंब की दूरी, इधर वस्तु की दूरी। तो कहा गया कि दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जितनी दूरी पर वस्तु है। अब गोलीय दर्पण उसको कहेंगे जो किसी न किसी गोले का भाग होता है। उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहेंगे, या तो आप गोले का यह भाग है, और यह गोलीय दर्पण भी कई प्रकार का होता है। एक दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, मतलब कॉनकेव मिरर, और दूसरे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं, कॉनवेक्स मिरर, और तीसरे दर्पण को हम लोग पार्वलयिक दर्पण कहते हैं। पाराबोलिक मिरर। अब अवतल दर्पण को हम समझें कि अगर दर्पण इस तरह का है और यह दर्पण इस तरह का है, आप जानते हैं दर्पण का एक सतह कलई किया हुआ होता है। तब मान लीजिए यह सतह कलई किया हुआ है, इस दर्पण का यह सतह कलई किया हुआ है, जो प्रकाश की किरण को बाहर जाने से रोकता है। तो आप कह सकते हैं कि यह जो दर्पण है
इस दर्पण की जो बात आप कर रहे हैं यह इसका मुख अक्ष है, इसका मुख अक्ष है, इसका मुख अक्ष है। इसमें जो प्रकाश की किरण आती है इस तरह से, यह जो प्रकाश की किरण आती है इस तरह से फोकस पर जमा होती है। इसमें जो प्रकाश की किरण आती है दर्पण से टकराकर लौट जाती है, और इसमें जो प्रकाश की किरण आती है, इसमें जो प्रकाश की किरण आती है यह इस तरह से वक्रित तल से टकरा करके लौटती है। तो यह जो प्रकाश की किरण है इसकी दिशा यह है, इसकी दिशा यह है। इसमें जो प्रकाश की किरण की दिशा यह दिशा है, और इसमें जो दिशा है इस तरह से इसकी दिशा, इसकी दिशा, इसकी दिशा, इसकी दिशा इस तरह से है। इस अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण फोकस पर जमा होती है, इसलिए इस अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, और यह भी अभिसारी दर्पण है परंतु पैराबोलिक है, मतलब यह गोला के समान नहीं है, इसलिए इसको परवलयिक दर्पण कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग दर्पण का परिचय प्राप्त किए। अब हम लोग संक्षेप में पढ़ने का सीखने का प्रयास करें कि दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की बात करें। दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। अब इसकी जानकारी हम बहुत संक्षेप में प्राप्त करेंगे। देखिए,
इस तरह से हम लोग संक्षेप में इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? सबसे पहले हम अवतल दर्पण की चर्चा करेंगे। अवतल दर्पण की बात करेंगे। अब इसमें क्रम संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5 और 1, 6 की भी बात हम लोग कर लेंगे। उसके बाद यहां पर हम लोग वस्तु की स्थिति की बात करेंगे। यहां पर प्रति बिंब की स्थिति की बात करेंगे। यहां पर आकार की बात करेंगे किसका आकार? प्रति बिंब का आकार की बात करेंगे। यहां पर प्रति बिंब की प्रकृति की बात करें कि उल्टा है या सीधा है। अब देखिए, अब इस पर ध्यान दें। अगर वस्तु कहाँ हो? अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस F पर प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की तुलना में बहुत छोटा बनेगा और यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब उसके बाद प्रतिबिंब वस्तु
वह करता केंद्र सी तथा अनंत के बीच प्रतिबिंब बीच हो, तब एफ तथा सी के बीच प्रतिबिंब बनेगा और आकार वस्तु के आकार की तुलना में छोटा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर हो तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर बनेगा और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर बनेगा और यह प्रतिबिंब भी वास्तविक और उल्टा होगा। जब प्रतिबिंब में वस्तु F तथा C के बीच होगा वस्तु, तब प्रतिबिंब C तथा अनंत के बीच अर्थात वक्रता केंद्र के बीच बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और यह भी वास्तविक तथा